उसमें आसक्ति रखने से क्या बात है, कोई नहीं। इसलिए आसक्ति रखने से वो बंधन का कारण बनता है। तो भगवान बोलते हैं कर्मों को ये इसका क्या है कि आसक्ति छोड़ के फल के प्रति भी चिंता नहीं करके आसक्ति नहीं रहते, हमको करना पड़ेगा तभी ये कर्म जो होगा। हमको ये इससे हमको ये सीखना है, याद रखना है कि कर्म जो करने के लिए क्या है, संग्रहित रहना चाहिए और फिर आसक्ति को भी त्याग करके हमको संसार में कर्म करना पड़ेगा। जबकि ये कर्म अच्छे हैं तो जब के दान और तप ये भी कर्म अगर करेंगे वो कर्म भी संग्रहित होके और ये हमारे फल की आशा नहीं रखते करने से तभी ये कर्म जो बन सकता है। इसी के हिसाब से हम सारे कर्म हमको करना पड़ेगा। तो भगवान ने जो बताया है यज्ञ जो है हमको ये यज्ञ एक तो है दूसरों के लिए परोपकार करने, गुरुदेव ने जो बताया है सर्विस, तो सर्विस सेवा हमको करना चाहिए। वो ये जो कर्म होता है और दूसरा इसका भी एक पहलू है, इसमें क्या है कि अपना जो कर्तव्य कर्म होता है संसार में उसी हुए कर्म करना, उसी को भी हम यज्ञ के रूप में लेना चाहिए। तो अपना कर्तव्य कर्म करना वो भी यज्ञ का एक अर्थ यहाँ होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं नियतम संग्रहितम अरागत देशतम कृतम, वैसे बोलते हैं। तो ये नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म त्याग करना ये भी बोलते हैं। तो इसलिए नियतम संग्रहितम अरागत देशतम कृतम अफल अपेक्षा कर्म जत्त सात्विकम उच्यते। तो ऐसे नियत कर्म बोलते हैं, तो नियत कर्म तुमको करना पड़ेगा। नियत कर्म क्या है, हमारा जो कर्तव्य कर्म होता है संसार में, हम जिस परिस्थिति में हम हैं, भगवान ने हमें उधर रखा है, भगवान वहाँ रख के हमें बताया कि तुम्हारा ये सब कर्तव्य है, ये कर्तव्य करने के लिए तुमको मैं इधर रखा हूँ। तो भगवान ऐसे बोलते हैं क्योंकि हमें आके भगवान को नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हम जो गीता में जैसे शास्त्रों में जैसे उसी से हमको इसका अर्थ लेना चाहिए। क्योंकि अपने कर्म के फल के अनुसार अपना जो प्रारब्ध कर्म है कब हम एक परिस्थिति में हम होते हैं, ये कर्म में तो तब इस परिस्थिति में ही हमारा क्या क्या कर्तव्य होता है उसी से हमको पता चल जाता है। घर में अगर मान लीजिए आपके पिता माता जी हैं उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य होता है हमारा एक ये कर्तव्य, ये नियत कर्म होता है। और फिर अपने सास ससुर जो होता है उनके प्रति कर्तव्य होते हैं। तो मान लीजिए बहू जब जाती है घर में कोई किसी घर में तो शादी करके जहाँ जाती है तो सास ससुर के साथ उनका वो कर्तव्य हो जाता है बहू होने के कारण, और अपने जो बच्चे होते हैं बाल बच्चे उनके प्रति हमारा कर्तव्य होता है, पिता माता के प्रति कर्तव्य। और बाकी अपने जो भाई बंधु जो है, भाई बहन जो भी है परिवार के भीतर उनके प्रति हमारा कर्तव्य होता है ऐसे। और फिर अगर हमारे सगे संबंधी आत्मीय स्वजन कुछ है उनके साथ भी हमारे कर्तव्य होता है, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य होता है, ये सब जितना सब कर्तव्य होता है ये सब हमारे नियत कर्म है। यही नियत कर्म करने के लिए भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम ऐसे बोलते हैं। तो नियत कर्म तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म दिया गया है उसी कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपना कर्तव्य को छोड़ना वो तो बोलते हैं ये तामसिक त्याग है, ये तामसिक करने से हमारे इसका कुछ फल नहीं, इसको अंधकार में अज्ञान में हमें डालेगा। तो अपना कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसी कर्तव्य कर्म को ही उसे फिर वही संग त्याग करके बिना आसक्ति से और बिना फल के आशा भी नहीं रख के अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो आएगा भगवान की इच्छा आएगा, फल जो आएगा भगवान जो जैसे देंगे वही होगा। तो इसलिए भी भगवान बोलते हैं कर्म ने वाधिकार माँ फल सुखदाचन माँ कर्म फल माते संकोच को कर्म बोले। तो कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल के प्रति तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मैंने नहीं है तुम कर्म करो मैं फल भोगूंगा ये भगवान ये नहीं बोलते हैं, लेकिन फल के बारे में सोचने की कोई चिंता आवश्यकता नहीं, अपने आप फल आ जाएगा। तो कर्म के बारे में हमको सोचना चाहिए। इसी करते तो यज्ञ का अर्थ ये दो होता है, परोपकार के लिए जो कर्म करेंगे साक्षात अपना जो कर्तव्य कर्म ये जो कर्तव्य कर्म होता है वर्णाश्रम धर्म इसको बोलते हैं, अपना जो स्वधर्म यही है स्वधर्म को भी हमको करना पड़ेगा। ये स्वधर्म कर्म स्वधर्म क्या है, स्वधर्म का वर्ण और आश्रम ये दो इसका भाग है। वर्ण क्या है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ये वर्ण पहले जो था, और इसका इसके जो परिभाषा जो है भगवान ने लिखा है गुण कर्म विभाग सब, ये जो भाग कैसे होता है अपना गुण कैसा है और अपना जो ये कर्म कैसा है
उसी के हिसाब से हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय है और शूद्र है या वैश्य है, इसको पता चलेगा ये अपने जन्म से नहीं है। तो गुण कर्म विभाग से तो हम जैसे दूसरे के कर्म हम करते हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या है, किसकी राजसिक प्रवृत्ति होगी, किसकी थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति होगी, या तो तामसिक होगी, जैसे भी अपनी परिस्थिति है, अपना जो गुण है उसी के हिसाब से हम वही कर्म करते हैं संसार में। अपने वृत्ति के लिए भी, प्रोफेशन जो बोलते हैं वृत्ति के लिए भी, हम वही से अपने को जो अच्छा लगता है, जो सूटेबल है, हमारे जिसके लिए योग्यता है, वही कर्म हम चुनते हैं। कोई ब्राह्मण होता है तो वहाँ होकर ड्राई क्लीनिंग करते हैं, उनकी उसके आने क्वालिटी योग्यता वही है, उनके लिए वही संभव होता है, इसलिए हमको सोचना चाहिए गुण और कर्मों के अनुसार उनकी वो वृत्ति होती है। तो ऐसे ही अलग अलग हम संसार में जीवन धारण करके रहने के लिए जैसी भी वृत्ति हम अपने लेते हैं, प्रोफेशन जो बोलते हैं, धंधा जो हम बोलते हैं, इसी को जो हम बोलते हैं, वही इसमें आएगा, वही हमारा वर्ण का वही कर्म है। और साथ साथ आश्रम का भी कर्म होता है, आश्रम अगर चाहे या तो ब्रह्मचारी हो, या तो गृहस्थ हो, या तो सन्यासी, या तो वानप्रस्थ जो हो, जिस अवस्था में हम है उसी अवस्था में हमारा कुछ वहाँ कर्तव्य हो जाता है, उसी को आश्रम धर्म बोलते हैं। तो ये आश्रम धर्म को भी हमको अच्छी तरह जानना चाहिए और उसी को पालन करना चाहिए। तो ये वर्णाश्रम धर्म करना, ये जो कर्तव्य कर्म होता है, यही इसका यज्ञ का अर्थ है, इसी को सोच के हम अपने यज्ञ के लिए करना। ये कर्तव्य कर्म करने के लिए हम जो करते हैं वर्णाश्रम धर्म, जबकि ये अपने लिए हम करते हैं, फिर भी इससे कोई दोष नहीं, क्योंकि ये कर्तव्य है हमारा, भगवान ने ये कर्तव्य दिया है, ये कर्तव्य हम पालन करते हैं। जबकि अपने पेट के लिए हम करते हैं या तो जीविका के लिए हम ये सब कर्तव्य कर्म करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई दोष नहीं, तो ये कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए ये भी यज्ञ में भी आता है। तो अपना कर्तव्य के लिए भी जो कर्म करें वो भी यज्ञ में ही आता है, तो इसी का अर्थ लगे। लेकिन इसमें याद रखना चाहिए उसमें आसक्ति रहित होकर करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होने नहीं होने से क्या होता है, हमारा दिमाग ठीक काम नहीं करता। अगर आसक्ति के कारण ही हम कुछ गलत काम सब कुछ कर बैठते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एकदम छूते हैं कि धृतराष्ट्र ने क्या किया था, ये जो बड़े राजा थे, अपना जो बच्चा बेटा था जो दुर्योधन, तो उनके आसक्ति के कारण उसको रोक नहीं पाए गलत काम करने से, तो इसी से क्या हुआ, पूरा दुर्योधन हमेशा गलत काम ही करता रहा, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण सब कुछ किया, उसी के लिए इसका परिणाम क्या हुआ, आखिर में सब पूरा विनाश हो गया, ध्वंस हो गए वो सब लोग। तो ऐसा है, आसक्ति के कारण ध्वंस करके चला जाए, इसी आसक्ति के कारण धृष्टराष्ट्र ने, वो जानते थे कि ये दुर्योधन जो करता है ये ठीक नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं, फिर भी उसको बोलने के लिए उनकी हिम्मत नहीं थी, तो साथ नहीं हुआ था, क्योंकि आसक्ति के कारण। तो हमको ये सोचना चाहिए आसक्ति से रहित होके तब हम जो कर्म करेंगे वही वो ये अनासक्त भाव से करने से ठीक रहेगा, तब अनासक्ति से हमारे हृदय में शक्ति आएगी, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, तो शक्ति ऐसे करने के लिए भी हमें उससे क्षमता मिलेगी, पावर में ये बल मिलेगा और शक्ति भी होगी, तब हम ठीक रहते हैं, नहीं तो गलत काम करने से तो आसक्ति को छोड़ना चाहिए, फल की आशा भी नहीं छोड़ के कर्म अभी नहीं करके फिर अभी कर्म करना चाहिए, ये तो एक। दूसरी बात भगवान ने बताया कि और दूसरा कर्म क्या है, वो भगवान ने ये कहा कि तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। ऐसे यज्ञों के हिसाब से करके हमारे सारे के सारे कर्म संसार में रहने के लिए और भी दूसरों के हित कर्म करने के लिए करना चाहिए, परोपकार अगर करेंगे साथ साथ अपना कर्तव्य कर्म भी, ये कर्मयोग के हिसाब से ऐसे करके अगर हम करेंगे, ये दोनों हमें अपने जो ये हृदय है इसको निर्मल करेंगे, वो पवित्र करेंगे इसका। तो इसलिए बोलते हैं ये यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणा, इसी के हिसाब से करने से, कर्म करने से भी हमें कोई इससे और दोष नहीं लगेगा, हमारी कोई उसमें विपद नहीं है, यही हमारे लिए हमें मुक्ति का ये रास्ता है, ये सोच के करना चाहिए। फिर तपस्या के लिए भगवान बोलते हैं तप भी करो, तप करना चाहिए, तप क्या होता है, तप का तपस्या के लिए भगवान ने भी गीता में बोला है कि तीन प्रकार के तपस्या, शरीर का तपस्या और वाणी का तपस्या और साथ साथ मन की तपस्या, ये तीन प्रकार के तप होते हैं, ये तीन प्रकार जो तप है उसको अच्छी तरह जानते हैं, इसी को हमको भी अभ्यास करना है।
तब क्या है हम जो साधना वगैरह सब करते हैं ये तपस्या में आता है। तो शरीर का जो ये तपस्या स्वर्ग की तपस्या जो है भगवान बोलते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच महाजगम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरम तप उच्यते। शरीर की तप शरीर का तप जो है क्या ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना ये शरीर का तप होता है। वो बोलते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम भगवान की जो हम पूजा करते हैं देवता पूजन उसमें आता है देव पूजा। देव द्विज ब्राह्मण लोग को जो पवित्र लोग है उनकी भी हमको सेवा करना चाहिए कुछ। देव द्विज गुरु अपने जो गुरु हैं अपने जो जो ज्ञानी हैं जो पंडित हैं उनको भी ये करना है। तो अपने से बड़े जो होते हैं अपने माता पिता के लिए जो ये करना सम्मान करना उनकी जो सेवा करना ये भी उसी में आएगा पूजन जैसे होगा। देव द्विज गुरु फिर प्राज्ञ प्राज्ञ माने विद्वान लोग हैं ज्ञानी लोग हैं ज्ञानी जनों का की भी सेवा हमें करनी चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम ये एक है उसमें से। शौच शरीर को पवित्र रखना चाहिए शौच स्नान वगैरह करके और बाकी जब जो भी कुछ होता है सर की क्या बोल रहे हैं अच्छा तो फिर ये शरीर की जो ये शरीर स्वस्थ रखना साफ रखना ये शौच में आता है। शौचन स्नान करना ये करना जो जरूरत है आप जानते हैं शरीर के इसको शरीर को हम साफ निर्मल करके स्वस्थ करके रखना तो जो स्वास्थ्य रक्षा के नियम सब पालन करके रखना ये जो शरीर का तपोधि होता है। तो और फिर आज जब हम शरीर को हमेशा सीधा करके बैठना चाहिए हम जो बैठते हैं हम इधर उधर ऐसे कर रहे हैं शरीर की जो है सरलता है सीधापन जो है किसी को आज शरीर को ठीक से हमेशा रखना स्वस्थ रखे ब्रह्मचर्य के बारे में सुबह हम कुछ विचार कर रहे थे ब्रह्मचर्य इसी में तपस्या में आते हैं ब्रह्मचर्य। और फिर अहिंसा ब्रह्मचर्य अहिंसा जो शारीरम तपोच्यते ये शरीर की तपस्या है इसी को हम याद रखें इसी को भी हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद वही फिर भगवान बोलते हैं कि हमारी जो वाणी है वाणी की तपस्या क्या है वाणी की तपस्या वो बोलते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम तजत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो हमको वाणी की ये तपस्या का आचरण करना चाहिए उसका भी अभ्यास हमें करना चाहिए। भगवान ने बता दिया है ये यज्ञ तप करना हमको करना है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वाणी की जो तपस्या है इसको क्या करना चाहिए बोले अनुद्वेग करम वाक्यम क्रोध के संबंध में सुबह हमने बात किया था उसको दूसरों के मन में जिससे कोई पीड़ा हो कोई उत्तेजना हो ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहिए उनके मन में क्षोभ होगा इनमें उनमें अशांति होगी ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहिए दूसरों को अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम तजत उसके बारे में हमने सुबह बात किया था सत्य और प्रिय होना चाहिए अप्रेषित नहीं बोलते सत्य और प्रेरित होना चाहिए। और साथ साथ वो बोलते हैं ये स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए वो स्वाध्याय का अभ्यास करना है ये भी है। स्वाध्याय का अभ्यास क्या है स्वाध्याय वेद करना पुराण करना जो हम कुछ पारायण और जो कुछ पढ़ते हैं उच्चारण करके जो पढ़ते हैं आवृत्ति करते हैं वो सब इसी में आता है क्योंकि वाणी की ये तपस्या है वाणी का इसी से उपयोग होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए। हम जो कुछ रामायण पाठ करते हैं या तो भागवत पारायण पारायण और जो भी कुछ गीता भी हम पढ़ते हैं जो भी कुछ पढ़ते हैं ये इसमें ये वाणी की तपस्या होती है जिससे हम बोलते हैं और जिससे हम बोल के जो पढ़ते हैं उच्चारण करते हैं ये स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए वाङ्मयम तपोच्यते ये हमारी वाणी की तपस्या है इसी को याद करके ये चीज़ हमको अवश्य करना चाहिए हर रोज। तो अच्छी तरह आप ये 17 अध्याय में ये सब है तो ये तपस्या है। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि मन की तपस्या फिर क्या है मन का तप उसके लिए भी बोलते हैं क्या मन की तपस्या क्या है मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते ये बोलते हैं। तो ये क्या है मन प्रसाद ये बोलते हैं मन की प्रसन्नता
मन को हमेशा शांत रखना है, मन को हम हमेशा प्रसन्न आनंद में रखना है, ये मन की प्रसन्नता है। मन प्रसाद हर वक्त हर परिस्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, कभी भी दुख नहीं करना चाहिए, दुख मन में लाने नहीं देना चाहिए, आने उसको नहीं देना चाहिए। हमेशा जिस परिस्थिति में प्रतिकूल हो अनुकूल हो सब में मन को हमेशा कैसे शांत और प्रसन्न रखने की हमको कोशिश करना चाहिए, और चाहे तो हम कर सकते हैं, तो इसी को प्रयत्न करके मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, सब में खुश हैं। जाहे विधि राखते राम ताहे विधि रहिए, तो भगवान से के द्वारा सब कुछ होता है, भगवान ये सब करवाते हैं, तो हमें चिंता क्या है, भगवान जो करते हैं हमारे लिए अच्छा है, हमारा मंगल कर रहे हैं, तो इसलिए हमको चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसे सोच के मन को युक्ति करके हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे प्रतिकूल हो या तो कोई अनुकूल हो, और जो भी कुछ कर्म हमारे संसार में आता है ये सब तो मेरा प्रारब्ध कर्म का फल है। तो प्रारब्ध कर्म का फल जो है मैंने किया हुआ कर्म मुझे अभी आ रहा है वो फल, तो तभी उसके लिए किसको दोष देना है, और इसमें हम अगर विचलित होंगे तो क्या उससे फायदा है, तो इसलिए सब प्रोत्साहन करना है। सबको शांत करके सब अनुकूल प्रतिकूल जो सब में मन को शांत रखें, प्रसन्न रहना चाहिए, ये मन की एक तपस्या है। जो हम अगर नहीं कर पाते हैं तब तो हम हमको ऐसे फिर हम उनको बहुत पछताते हैं, हमको बहुत परेशानी है। अगर हम अपने मन को अगर ठीक से नहीं रखेंगे तो हमारी अशांति कहाँ जाएगी, यही रहेगी, हमारा मन शांत रहेगा, वो विचलित रहेगा, दुख होगा, कष्ट होगा, ये सब आएगा। लेकिन मन को अगर समझेगा अरे भाई तुमने तो ये सब कर्म किया है, तुम्हारे पास आता है, तुम क्यों इससे चिंता करते हो, शांत कर लो। वही भागवत में प्रहलाद जी ऐसे ही बोलते हैं कि हम जो कुछ हमने किया है कर्म, वही कर्म अभी सुख दुख के रूप में अभी आते हैं, अपने प्रारब्ध कर्म है। अगर ऐसे सब कर्म आते हैं तो फिर क्यों इसमें चिंता करना है, दुख आता है ठीक है, दुख इसको आप स्वीकार कर लो, उसमें जो कष्ट दुखता कैसे हम कम कर सकते हैं उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन किसी को दोष देना या तो किसी को गाली देना इससे कोई फायदा नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं। वैसे सुख भी आता है ठीक है, सुख के पीछे मत पड़ो, जो सुख आएगा प्रारब्ध में अगर हमारा है तो सुख अपने आप आएगा, उसके लिए फिर चिंता क्यों करना है। ये दोनों नहीं करके सुख और दुख के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करके मन अभी भगवान में लगाओ, ऐसे बोल के प्रहलाद जी बोलते हैं। भगवान की भक्ति कैसे बढ़ेगी वही करना हमारा कर्तव्य है, इस कर्म के प्रारंभ बात है उसी के बारे में चिंता करके सोच करके अपनी शांति को खोना ये हमारा कर्तव्य नहीं, उसके लिए ऐसे बोल के बोलते हैं। तो इसको करके मन को प्रसन्न रखना चाहिए। मन प्रसाद सौम्य को सौम्य होता है क्या है, सत्य प्रति हमारा व्यवहार बहुत अनुकूल होना चाहिए, दूसरों को लिए प्रति क्या है जैसे सुख देने वाला है वैसे हमारा बर्ताव होना चाहिए, मन की शांति सोच इसको जेंटलनेस अंग्रेजी में हम बोलेंगे जेंटलनेस, भद्र व्यवहार होना चाहिए सबके प्रति, हमारा मधुर व्यवहार कैसे होना चाहिए, मधुर स्वभाव भी होना चाहिए, तो सौम्य तो मन का सौम्य तो हमेशा ऐसे रहना चाहिए ताकि दूसरों को हमको देख के उनका मन में कुछ शांति आए, वो प्रसन्न हो जैसे, वही सौम्य तो होता है। मन प्रसाद सौम्य तो मौन, मौन का मर्थ क्या है, मन के मौन क्या है, मन के मौन में दो अर्थ होता है, मन का मौन क्या होता है, मन कैसे हमारा शांत रहे, मन हमारा शांत अगर है तो वही मौन की स्थिति है, मन की मौन हुआ मन का मौन, मन में शांत कैसे रहेगा, अगर राग द्वेष वगैरह मन से निकालेंगे तो ये मन में शांत रहेगा, तो मन हमेशा जैसे ऐसे रहेगा इसको एक मौन है, और मन से कामना वासना सब अगर हम निकालेंगे तब भी मन हमारा वैसे ही शांत रहेगा, ये इसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है भगवान के बारे में स्मरण करना, भगवान को सोचना, तो इसी को भी मौन का अर्थ ये होता है, मौन का अर्थ ये वाक मौन नहीं, ये तो वाणी की तपस्या नहीं, ये तो मन की तपस्या है, तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए मन में कोई विकार ना हो, मन हमेशा शांत रहे, मन हमेशा भगवान में जैसे लगे, भगवान के जो चिंतन करना वो मौन का इसका अर्थ है। उसी से मुनि शब्द जो आता है इसी मौन से ही मुनि आता है, या तो मुनि से ये मौन शब्द आता हुआ है, तो इसका माने स्वाभाविक रूप से भगवान के बारे में चिंतन करना, मन की जो चिंतन का जो मन का जो स्वभाव है उसी को करना, यही इसमें है। मन हमेशा अंतर्मुख होकर भगवान में लगाएंगे, भगवान के बारे में चिंतन करना, इसी को मौन बोलते हैं। तो मौन उसके बाद फिर भाव संशोधन, हाँ मौन
Mana prasada swamyatam aham mauna atma vinigraha. Dhanyavad. Atma vinigraha jo hota hai, mauna atma vinigraha. Atma vinigraha man ko sanjam karke rakhna. Man ke upar lagam laga ke usko nigraha karke control karke rakhna hai. Man ko apne manmani karne ki dena nahi chahiye. Man ko sanjam karke rakhna jo hota hai. To hota hai kya hua hai ke तो ये मन प्रसाद सम्यक्तम मौन आत्म विनिग्रह तन बोलते हैं भाव संशुद्धि यत्र तपो मानस मुच्यते भाव संशुद्धि हृदय की जो है हमारा मन है मन की पवित्रता मन हमारा निर्मल रहना चाहिए अंतःकरण हमारा जो है वही निर्मल रहना चाहिए मन की जो जितने सब भावनाएं आती है वो सब पवित्र भावना होना चाहिए गंदी भावनाएं वहां नहीं देने रखने देना चाहिए भाव संशुद्धि हृदय का जो हृदय की जो संशुद्धि या पवित्रता इसमें गंदगी उसको नहीं रखते मन को पवित्र हमेशा रखना चाहिए भाव संशुद्धि लेकर तो को मानस मुच्यते ऐसे करके हम तपस्या मन की तपस्या ऐसा हमको करना चाहिए ये हमारा अभ्यास है अगर ये हम शरीर मन और वाणी के तपस्या अगर हम अभ्यास करते हैं इसका माने हमारी साधना ठीक है यही हमारी साधना ये तपस्या के रूप में हम इसको लेते हैं इसलिए भगवान बोलते हैं कि तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए यज्ञ भी करना चाहिए तपस्या भी करना चाहिए और साथ साथ वो बोलते हैं दान भी करते रहना चाहिए दान के बारे में जानते हैं कैसे दान करना है कैसे ना वो सब तो यज्ञ दान और तप ऐसे तीन बातें करना है और फिर वो सब भी वही भगवान उसमें कंडीशन लगाते हैं कि आसक्ति रहित होके और फिर फल की आशा छोड़ के और बाकी दूसरे कहीं जगह में बोलते हैं मैं ही करता हूँ इसके भावना भी नहीं रखना चाहिए ऐसे करके हमको कर्म करना चाहिए वो बोलते हैं शास्त्रीय कर्ता बनना चाहिए शास्त्रीय कर्ता हमसे क्या है 18 अध्याय में भगवान कैसे बनता भगवान ने बताया मुक्त संगो अनमवादी प्रत्युच्छा समन्वित सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता शास्त्रीय उच्यते वो जो बोलते हैं शास्त्रीय भाव से अपना शास्त्रीय कर्म करता बन के हमको कर्म करना है संसार में तभी ये कर्म जो होगा जिससे कि हमारा कोई और कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा यही तब हमारा ये योग साधना में साधना के लिए प्रक्रिया हो जाएगी और इसी से ही हम कर्म करने से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं तो मुक्त संघ हो कोई संग्रहित होकर कर्म करना अनहंकारी मैं करता हूँ मैं अहंकार उसमें नहीं रखना चाहिए कि मैं करता हूँ कर्तापन का अभाव से करना चाहिए अनहंवादी धृति उच्छा समन्वित धृति और उच्छा दोनों अपने कर्म तो कर्तव्य करना है यज्ञ जो भी है तपस्या में उसमें धृति के साथ उसमें निविष्ट होकर करना चाहिए उसमें लग जाना चाहिए धृति के साथ और उच्छा बहुत उच्छा के साथ करना चाहिए कर्म आदर के साथ करना चाहिए अपना क्योंकि अच्छा कर्म हम करते हैं आग्रह उसमें होगा उच्छा होगा तभी तो ये कर्म का हमारा उसमें हमको ये सफलता मिलेगी तो इसलिए उच्छा के साथ भी कर्म करना चाहिए धृति उत्साह संबंधित करो और फिर उसके बाद बोलते हैं सिद्धि सिद्धियों निर्विकार ये सब हमने कर्म कर लिया है इसमें अगर हम सिद्धि प्राप्त हुई इसमें हमने सफलता मिली ठीक बात है अगर हम सफल नहीं हुए कोई बात नहीं ऐसे करके सिद्धि और सिद्धि हो निर्विकार क्योंकि हमने जो कर्तव्य कर्म करना था हमने कर्तव्य कर्म कर लिया है उसके बाद भगवान की जिम्मेदारी वो सब करना चाहिए हमें सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा उनके हम उसके बारे में क्यों चिंता करेंगे ऐसे बोल के सिद्धि और सिद्धि चाहे हम सफल बने या तो चाहे हमारे जो हमें विफलता आगे जाएगी हम मान लीजिए और कर्म विकर्म हमारी सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं इसमें निर्विकार ऐसे करने से ये सात्विक कर्ता वही शुरू करके हम अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए तब ये कर्म होगा तो हम इसको अच्छी तरह याद रखते संसार में कर्म करना कैसे है और ये कर्म जो कैसा है ये सब भगवान ने बताया कि तकलीफ से करने से यही हमें भगवान तक पहुँच सकता है और पहुँचा सकता है यही हमारी साधना है कर्मयोग कर्म की साधना यही कर्मयोग की साधना यही धन्यवाद तो हमने तो आपसे ज़्यादा समय ले लिया है तो इसलिए मैं सिद्धि सिद्धि हूँ निर्विकार तो आप मेरे को नाराज हो नहीं नाराज हो मुझे कोई फिक्र नहीं तो पड़ता है भगवान ने मुझे बता दिया है आप फिक्र मत करो ये लोग गुस्सा